मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स की क्लास में हम लोग आज सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ने वाले हैं और इसकी हम लोगों की आज थर्ड क्लास। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या देखा है, शुरू करके चलते हैं एक से। इसको हटाए रोज गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और एंड हाइड्रोलिक मशीन की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसमें हम लोग देखेंगे, आज तक हम लोगों ने टर्बो मशीन पढ़ा, पंप पढ़ा, टाइप्स ऑफ पंप देखा, कौन कौन से पंप होते हैं, फिर डायनामिक पंप, और फिर हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसको रोटो डायनामिक पंप भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, केसिंग कौन कौन सी होती है, केसिंग में कैसे फ्लो होता है, ये सब कुछ देखा था। फिर हम लोगों ने वर्किंग देखा था, कल हम लोगों ने काम किया था वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप। और फिर आगे हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें इफिशियंसी और डिफिनेशन कौन कौन से होते हैं हेड के, और कौन कौन सी इफिशियंसी आती है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग दो टॉपिक अपना खत्म करेंगे, हम लोग डेली दो टॉपिक खत्म कर रहे हैं। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम स्पीड एट फॉर स्टार्टिंग अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखो, किसी भी पंप को स्टार्ट करने के लिए कितनी स्पीड कम से कम चाहिए वो हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके पहले मैं कल की एक चीज आप लोग को बता देना चाहूंगा। आप लोगों ने जब कल हम लोग पंप पढ़ रहे थे तो हम लोग इस लाइन पे बहुत फोकस किए थे, पावर एट द इम्पेलर ऑफ द पंप इज ग्रेटर देन द पावर गिवन टू वाटर एट आउटलेट ऑफ द पंप। यानी कि ये इम्पेलर जो होता है उस पर पावर जो जितनी लगती है वो इस पानी पर दिए गए पावर से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा इसी पे, क्योंकि तो पहली लाइन हमारी आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास उसमें यही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो पानी को कब डिलीवर करना स्टार्ट करेगा, अगर आप ये सोचो कि हमारा ये टैंक लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा टैंक लगा हुआ है। ठीक है, तो इस टैंक में हम लोगों ने क्या किया था, इस टैंक में हमें पानी को पहुंचाना है। इस टैंक में पानी को पहुंचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि पंप लगाया, यहाँ पे हम लोगों ने एक पंप लगा दिया। ठीक, ये हम लोगों का पंप है, ये हम लोगों का क्या है, सक्शन पाइप है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का पानी, यही एक तरह से मान के चल रहे हैं। तो सिंपल सा आप देखो कि ये इस लाइन का मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट डिलीवरिंग वाटर, प्रेशर राइजेस इन द इम्पेलर इज मोर देन और इक्वल टू मैनोमेट्रिक हेड। हम लोग कल मैनोमेट्रिक हेड हम लोगों ने पढ़ा था, उस मैनोमेट्रिक हेड में हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे आप लोग देखोगे मैनोमेट्रिक हेड में इफिशियंसी हम लोगों ने निकाली थी, मैनोमेट्रिक हेड हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे। तो इसमें क्या था कि ये जो है पोर्शन, इसको डिलीवर करने के लिए टोटल हमें इस एच की हेड की जरूरत पड़ती है। अगर इससे कम रहेगा तो क्या होगा, वो पानी टैंक तक नहीं पहुंच पाएगा, वो पाइप में ही कहीं तक रह जाएगा। तो वही चीज है कि अगर हम लोगों को पाइप से पानी को हम लोग को जिस टैंक में इस टैंक में पहुंचाना है, यानी कि अगर हम लोग की जो हेड है वो इतना ही अगर हो, हम मान के चल रहे एच एम हम लोग का मैनोमेट्रिक हेड अगर इतना है, इतने पे ही अगर हम रह रहे हैं तो क्या होगा कि हम लोगों का जो पंप है वो पानी यहीं तक पहुंचा पाएगा, इसके ऊपर नहीं पहुंचा पाएगा। यानी कि हम लोगों को कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, प्रेशर राइज इन द इम्पेलर इज मोर देन और इक्वल टू मैनोमेट्रिक हेड। यानी कि जो ये मैनोमेट्रिक हेड है हम लोगों का, इससे हम लोगों को या तो बराबर हो या तो फिर ज्यादा हो।
ठीक है, यही तो होगा, यही हम लोग का होगा। अदरवाइज नो वाटर विल बी डिस्चार्ज थ्रू इम्पेलर इज रोटेटिंग। ठीक है, अगर इसमें जो प्रेशर राइज है वो इम्पेलर का इसके एच मैनोमेट्रिक हेड से ज्यादा या इसके बराबर नहीं है तो क्या होगा, पानी यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, वो पाइप में ही कहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अब देखिए इसमें। ठीक है, इस केस में जो जब इम्पेलर रोटेट करेगा, देखिए इसमें क्या होता है, पान हम लोगों के पंप में, हम लोग पंप कुछ ऐसे बना रहे थे। ठीक है, पंप में ये आई ऑफ द पंप है, ये कुछ पंप में ऐसे पानी आ रहा था, यहाँ से आई ऑफ द पंप में पानी आता है, उसके लिए इम्पेलर रोटेट करता है। तो यानी कि जब इम्पेलर रोटेट करेगा तो वाटर जो है वो कांटेक्ट में, जो कांटेक्ट में वाटर होगा वो भी रोटेट करेगा। ठीक है, इम्पेलर के साथ साथ वो भी रोटेट करेगा, यही चीज लिखा हुआ है। देन इम्पेलर इज रोटेटिंग वाटर इन द कॉन्टेक्ट विथ इम्पेलर इज ऑल्सो रोटेटिंग। दिस इज द केस ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स केस, ये आपको फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे, एफएम में रहा होगा। ठीक, तो इस केस में जो केस बनता है जब इम्पेलर रोटेट करेगा तो पानी भी रोटेट करेगा, और पानी रोटेट करेगा तो ये जो केस होगा इस तरह का केस बनेगा, वह बनेगा फोर्स्ड वर्टेक्स केस। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में हम लोगों ने, जब हम लोग रोटेशनल फोर्स फ्लो की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर मूवमेंट निकालते हैं या फिर एंगुलर मोशन निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब लीनियर निकालते थे 2 पाई आर करते थे, जब एंगुलर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 2g, ये क्या है, वेलोसिटी क्या होगी, वी स्क्वायर बाई 2g होती है, वी स्क्वायर बाई 2g यही होती है। ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी होती है, इसको अगर हम लोग एंगुलर में लेके चलते तो क्या होता है, ओमेगा आर, ठीक है यही होता है, ओमेगा ये वी स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर करेंगे जब हम, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वन स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा आर टू स्क्वायर क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसकी इम्पेलर की आउटलेट पे, और टेंजेंशियल वेलोसिटी है इम्पेलर की इनलेट पे। ठीक है, डब्लू आर वन, डब्लू आर टू क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है इम्पेलर की आउटलेट पे, जिसको हम लोगों ने अभी तक यू टू से डिनोट कर रहे थे हम लोग ऊपर एक क्लास, जो हम लोगों ने कल पढ़ाया था उसके पहले ही क्लासेस पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने यू टू से डिनोट किया था। और जो डब्ल्यू ओमेगा आर वन है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इम्पेलर पे, इम्पेलर के इनलेट पे। ठीक है, जिसको हम लोगों ने अभी तक यू वन से डिनोट किया है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इस केस में जो पंप का हेड होगा, हेड ड्यू टू प्रेशर राइज इन द इम्पेलर। ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि इम्पेलर रोटेट कर रहा था, इम्पेलर रोटेट कर रहा था वाटर भी रोटेट करेगा, तो वाटर रोटेट करेगा तो रोटेशनल वेलोसिटी होगी, रोटेशनल वेलोसिटी होगी तो उसमें क्या होगा, आउटलेट पे और इनलेट पे जो वेलोसिटी होगी इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का हेड आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हेड है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का हेड ड्यू टू प्रेशर राइज इन द इम्पेलर। ठीक है, आगे चलते हैं आगे के क्लास में। अभी तक देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, अब देखिए हेड ड्यू टू प्रेशर राइज इन द इम्पेलर, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ओमेगा आर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द इम्पेलर को यू टू से, और इसको यू वन से जो हम लोग पहले डिनोट कर रहे थे वही करते हैं जब, तो यहाँ पे देखिए वो इक्वेशन क्या हो जाएगा जो पहले था, ओमेगा आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर, उसको हम लोग यू टू स्क्वायर लिख देंगे, और ओमेगा स्क्वायर आर वन स्क्वायर को हम लोग यू वन स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेड ड्यू टू प्रेशर राइज इन द इम्पेलर। अब देखिए, ठीक है, इस कंडीशन में अब देखो क्या हमने बात की कि जब भी पानी को या लिक्विड को हम लोग को सक्शन करके ऊपर अगर डिलीवरी पाइप तक या फिर जहां डिलीवर करना है टैंक तक पहुंचाना है, तो उस कंडीशन में हमने बात की कि जब हमारा हेड या तो बराबर हो या तो ज्यादा हो। ठीक है, अगर हम यानी कि बराबर वाला निकाल लें कि मिनिमम हम लोग को इतना हेड चाहिए, यानी कि बराबर हो जाएगा तो
अपने आप, यानी कि उतना तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो चल जाएगा लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर जो फ्लो ऑफ वाटर तभी होगा जब होगा जब ये जो हेड है, यानी कि हेड ड्यू टू प्रेशर राइज इन द इम्पेलर, जो हेड है वो क्या हो, मैनोमेट्रिक हेड से ज्यादा हो, यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये जो हम लोगों का प्रेशर राइज हो रहा है वो हो किससे, मैनोमेट्रिक हेड से ज्यादा, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिखा, ठीक है। ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि हम लोग का पानी तभी फ्लो करेगा जब मैनोमेट्रिक हेड के बराबर ये प्रेशर राइज हो जाए, मिनिमम तो इतना चाहिए ही चाहिए हमें, इससे ज्यादा हो जाएगा तो भी हम लोग का वो टैंक तक पहुंच जाएगा, लेकिन उससे कम होगा तो वो डिलीवर जहां हमें करना है वहां तक ये नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो मिनिमम स्पीड के लिए, यानी कि मिनिमम स्पीड के लिए क्या होगा, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। मैनोमेट्रिक हेड से जो पावर है, जो प्रेशर राइज हो रहा है वो मैनोमेट्रिक हेड से या तो ज्यादा हो या बराबर हो, तो बराबर हमें चाहिए, तो मिनिमम स्पीड कब होगी, कम से कम वह स्पीड जिस पे पानी हम लोग का डिलीवर हो जाए वह स्पीड कब मिलेगी, जब हम लोग का मैनोमेट्रिक हेड जो है वह इसके बराबर हो, ठीक है। तो अब जो है इसमें एक सेकंड, ठीक है। तो अब जो है हम लोग मिनिमम स्पीड के लिए जो हम लोग का मैनोमेट्रिक हेड के बराबर होना चाहिए, मैनोमेट्रिक हेड किसके बराबर होना चाहिए, इस प्रेशर राइज के, ठीक है। अब देखिए ये प्रेशर राइज, ठीक है। अब हम लोगों ने कल मैनोमेट्रिक हेड के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है, पर यूनिट हम लोग को जो निकालना था वो लगभग इतना था, ठीक है, ये इतना था। यहां से हमें यानी कि एम ईटा मैनोमेट्रिक इज इक्वल टू जी एच एम अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू, यहां से हम लोग एच एम की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, यहां से हम लोग एच एम की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए ये हम लोग को, बट हम लोग को मैनोमेट्रिक हेड की डिफिनेशन पता है, ठीक है, यहां से हम लोग एच एम की वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो होगा डब्ल्यू टू वी डब्ल्यू टू यू टू ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा जी, ठीक है। तो हमें एच एम की वैल्यू पता चल जाएगी और इस एच एम की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अपना इस इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे, तो ये जो इक्वेशन होगा वो दोनों यानी कि ये बराबर हो जाएगा, ये पोर्शन बराबर हो जाएगा इस पोर्शन के, ठीक है। फिर से बताते हैं कि जब हम लोग जानते हैं कि मैनोमेट्रिक हेड जो हम लोग का इफिशियंसी होती है, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी की जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, हम लोगों ने कल इसका डेरिवेशन कर रखा है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग मैनोमेट्रिक हेड निकाल लेंगे, इस एच एम की वैल्यू को, जब एच एम इक्वल टू ईटा मैनोमेट्रिक बी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी है, तो इस इक्वेशन नंबर वन के इक्वेट कर देंगे तो ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके, ठीक है, ये हम लोगों का इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा इस पोर्शन के, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एच एन इन इक्वेशन नंबर वन, तो हम लोगों ने जब यहाँ पे पुट किया है, ठीक है, तो ये हम लोगों का इक्वेट करने के बाद इक्वेशन बन गया है। अब देखिए, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, इसीलिए मैं पुरानी स्लाइड्स भी लेके आता हूँ साथ में कि हम लोग को बाद में काम पड़ेगी। अब देखिए इस कंडीशन में अब हमें ये इक्वेशन एक मिल गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू मान लिया। अब देखिए पुराने क्लासेस में हम लोगों के, ये देखिए U1 टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इंपेलर एट इनलेट, ठीक है, एंड U2 टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इंपेलर एट इनलेट, और ये आउटलेट पे है, ठीक है, सॉरी ये आउटलेट है,
ये हम लोगों का आउटलेट है, ठीक है। ये रही, तो ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इंपेलर एट इनलेट, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इंपेलर एट आउटलेट, ये जो फॉर्मूला था इसको हम लोग अब यहाँ पे आगे हम लोग के लिए काम आएगा। आगे मैंने इसे लिख भी रखा है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप देख सको कि हम लोग ये चीज कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन हम लोग को मिल गया था। अब देखिए ये था हम लोग का इनलेट पे और ये है हम लोगों का U2 की वैल्यू आउटलेट पे। इस दोनों वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो ये U1, ये U2, और U1 की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन बनेगा, वो होगा ये, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद देखिए यही है, ये इक्वेशन हम लोगों का बनेगा। इस इक्वेशन को हम लोग देखिए, इसमें पाई एन 60, तीनों में पाई एन 60, पाई एन 60 कॉमन है, तो अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या होगा, हम लोग के लिए आसानी हो जाएगी। जब डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर है, तो हमें ये पाई एन 60 तो कैंसिल हो जाएगा एक सिर्फ, ठीक है, लेकिन ये जो डी टू है वो स्क्वायर में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे पाई डी टू स्क्वायर एन अपॉन 120 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई चला जाएगा। हम लोगों ने डिवाइड किया है पाई एन बाई 60 जी, ये जी भी सब में कॉमन है, ये भी डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग का ये बन जाएगा। फिर ये इसमें से हम लोग इस इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे, जब डिवाइड करेंगे इसमें, तो हम लोग क्या, ठीक है, तो अब जो है हम लोगों को क्या करना होगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग इस कंडीशन में जब आ जाएंगे तो देखिए ये इक्वेशन हम लोग का इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का ये बन जाएगा। इसमें जब डिवाइड करेंगे पाई एन बाई 60 का बाई 60 जी से, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का पूरा इक्वेशन, इसमें सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ हम लोग का ये बचेगा, ठीक है, यही दो इक्वेशन बच जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा क्या, ये इक्वेशन मिल जाएगा। यही इक्वेशन होता है किस चीज का, 120 ईटा मैनोमेट्रिक वेलोसिटी Pw2 d2 अपॉन पाई d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। इसमें ईटा मैनोमेट्रिक है ये, यानी कि एफिशिएंसी है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। Pw2 है वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट, d2 है हम लोगों का डायमीटर ऑफ इंपेलर एट आउटलेट, ठीक है। फिर ये हम लोग को पता ही है, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट, यही हम लोग का मिनिमम स्पीड है। अब हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों का अगला टॉपिक, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, अगर जो है हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर एक या एक से ज्यादा हम लोगों का उसमें अगर इंपेलर लगा हुआ है तो उसको हम लोग मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। अब ये इंपेलर कैसे लग सकता है, एक शाफ्ट है, ठीक है, इस शाफ्ट पे या तो दो इंपेलर लगा दीजिए, ठीक है, या तो फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, दो इंपेलर ऐसे ऐसे लगा दें और दो पाइप लगा दें, दोनों अलग अलग सक्शन करेगा और सेम एक कॉमन पाइप बना दें, दोनों में ये डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी, इसके अलावा और कैसे किसी भी तरह से जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो अगर एक से ज्यादा इंपेलर लग रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं, ठीक है। इंपेलर में भी माउंटेड ऑन सेम शाफ्ट और ऑन डिफरेंट शाफ्ट, एक शाफ्ट पे या फिर डिफरेंट शाफ्ट पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब देखिए, अगर हम लोगों को हाई हेड चाहिए, अगर हम लोग को हेड हाई चाहिए, तो अब दो तरह का, ये भी मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप दो तरह का होता है, वह क्या होता है, वह कैसे होता है,
ठीक है। इसमें देखिए दो टाइप के होते हैं जो भी मैंने बताया, या तो फिर सीरीज में इसको हमने ये कर दें या तो फिर पैरेलल में कर दें, ठीक है। अब देखिए हाई डिस्चार्ज, हाई हेड के लिए या फिर हाई डिस्चार्ज के लिए, अगर हमने को डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए दो तरह का होता है, तो अगर डिस्चार्ज चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरह का हो गया, और दूसरा टाइप होगा अगर हमें हाई हेड चाहिए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग को हेड हाई चाहिए, ठीक है, अगर हम लोग को हेड हाई चाहिए तो इम्पेलर इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑन द सेम शाफ्ट, ये वाली कंडीशन अगर हमें हेड हाई चाहिए। ये देखिए इसमें होगा क्या, मैं आप लोग को एक बार ऐसे ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, फिर आगे भी बताऊंगा। देखिए इस कंडीशन में हम लोगों की ये सोचिए, ये हम लोगों का एक इम्पेलर है, ठीक है, ये दूसरा इम्पेलर है। यहाँ से पानी को इसने दिया, हम लोग जानते हैं कि पावर जो होती है जो इम्पेलर पे लगता है वह पावर ज्यादा होता है वाटर पे जो लग रहा है, ठीक है, उससे। तो जब ये इम्पेलर रोटेट करेगा तो ये कुछ पावर देगा वाटर को, फिर ये दूसरे इम्पेलर पे आएगा, ये रोटेट करेगा, तो पहले से जो चीज रोटेट हो रही थी उसके अंदर पावर थी, इसको और तेज अगर घुमाएगा तो क्या करेगा ये, और इसका क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी पानी की तो क्या होगा, वो ज्यादा ऊपर तक यानी कि ज्यादा ऊंचाई तक हम इसको पंप कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें हाई हेड की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीरीज का यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल सा चीज याद रखना कि सीरीज का हम लोग कैसे यूज करेंगे, एक इम्पेलर वेलोसिटी थोड़ा कम दे रहा है, पानी के हमें हेड ज्यादा चाहिए, उसके बाद एक और इम्पेलर लगा दिए, तो ये उस पा जो पानी पहले से रोटेट कर रहा था उस पानी को ये फिर से रोटेट कराएगा और स्पीड में रोटेट कराने लगेगा, तो हमें हेड हाई मिल जाएगी और ये ऊपर से चला आएगा, ठीक है। तो अगर हमें हाई हेड चाहिए तो इम्पेलर इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑन द सेम शाफ्ट, ठीक है, सेम शाफ्ट पे होगा तब तो हाई स्पीड में। अब देखिए हाई डिस्चार्ज जब हमें चाहिए तो देखिए हमने क्या बात की, हाई डिस्चार्ज के लिए, हाई डिस्चार्ज के केस में हमने कहा एक यहाँ पे पंप लगा देंगे, एक ऐसे पैरेलल में पंप लगा देंगे, ठीक है। तो इम्पेलर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, देखिए ये सक्शन पाइप रहेगा, ठीक है, ये हम लोगों का डिलीवरी पाइप है, यहाँ से हम लोग का पानी इसमें, ये एक कॉमन हम लोग का डिलीवरी पाइप, ठीक है। अब देखिए ये भी इम्पेलर रोटेट कर रहा है, ये भी पानी यहाँ से उठा रहा है, ये भी पानी यहाँ से उठा रहा है, तो आखिर अगर दोनों का हेड, दोनों की पावर जो है सेम ही होनी चाहिए, ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी या कम होगी तो एक पंप पे ज्यादा जोर पड़ेगा और वो खराब हो सकता है, तो दोनों ही पंप का पावर सेम होना चाहिए, हेड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सोचिए कि हम लोगों का अगर ये इम्पेलर जो है हम लोग रोटेट करा रहे हैं, यहाँ से भी ये पानी ले रहा है, यहाँ से भी ये दूसरा पंप पानी ले रहा है, और वो एक ही पाइप में लेके जा रहा है, तो सिंपल सी चीज है, जब एक पंप अगर मान लीजिए 100, सिंपल कॉमन मैथ है, 100 ml पानी मिलियन लीटर पर डे, ठीक है, 100 ml पानी अगर हम लोग का एक पंप निकाल रहा है तो सेम पावर का दूसरा पंप लगा देंगे तो 200 ml पानी निकालेगा, ठीक है। तो अगर हमें डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इम्पेलर को क्या करेंगे, पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा हम लोग का कंडीशन। अब हम लोग आते हैं अगला, पहले हम लोग पढ़ते हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर हाई हेड, हाई हेड के लिए क्या जरूरत पड़ती है। अब देखिए नंबर ऑफ इम्पेलर आर माउंटेड इन सीरीज और ऑन द सेम शाफ्ट, जो भी हम लोगों ने बात की पहले, एक शाफ्ट है उस पे सेम हम लोग यहाँ पे दो इम्पेलर लगा देंगे, ठीक है। वाटर फ्रॉम सक्शन पाइप डिलीवर्स इंटर्स द फर्स्ट इम्पेलर एट इनलेट, इनलेट से पहले इम्पेलर पे पानी पहुंचेगा, फिर क्या करेगा, इस डिस्चार्ज एट आउटलेट विथ इंक्रीज प्रेशर, यानी कि यहाँ पे ये इम्पेलर इसकी प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, इस पानी की प्रेशर को इंक्रीज करेगा, और इसको क्या करेगा, फिर देखिए एट द आउटलेट ऑफ सेकेंड, फिर देखिए एक कनेक्टिंग पाइप होगी, ठीक है, देखिए द वाटर विथ इंक्रीज प्रेशर फ्रॉम द आउटलेट ऑफ वन ऑफ फर्स्ट इम्पेलर, यानी कि इम्पेलर फर्स्ट इम्पेलर में पानी पहुंचा, लिक्विड पहुंचा, इसको रोटेट कराया, उसने क्या किया अपने फर्स्ट इम्पेलर के डिलीवरी पाइप में पानी पहुंचाया, ये डिलीवरी पाइप कहाँ से कनेक्ट होगी, सेकेंड इम्पेलर से, सेकेंड इम्पेलर पे ये पहुंचा इंक्रीज प्रेशर के साथ, द वाटर विद इंक्रीज प्रेशर फ्रॉम आउटलेट ऑफ फर्स्ट इम्पेलर इज टेकन टू द
इनलेट और सेकंड इम्पेलर यानी कि कनेक्ट हो गया, यानी कि जो फर्स्ट इम्पेलर के लिए जो आउटलेट है वही सेकंड इम्पेलर के लिए इनलेट का काम करेगा। ठीक है, एक कनेक्टिंग पाइप से कनेक्ट कर देंगे हम लोग। फिर क्या करते हैं, सेकंड इम्पेलर का जो आउटलेट होगा उस पे प्रेशर, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो पानी का प्रेशर ज्यादा होगा फर्स्ट इम्पेलर की अपेक्षा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो हेड ज्यादा होगा, वो ज्यादा ऊपर तक पहुंच जा पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग सीरीज में अगर सेम शाफ्ट पे हम लोग क्या करें कि और ज्यादा से ज्यादा इम्पेलर लगाते चले जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हाई हेड मिल जाएगा। अब ये देखिए कि अगर एक इम्पेलर का हेड एच एम मैनोमेट्रिक हेड एच एम से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो अगर एन मान लीजिए 1 2 3 सो ऑन एन टाइम एन नंबर ऑफ इम्पेलर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो टोटल हेड डेवलप कितना हो जाएगा, कितना डेवलप करेगा। अगर एक इम्पेलर के लिए एच एम है तो एन इम्पेलर के लिए एन एच एम हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। वेयर एन इज नंबर ऑफ आइडेंटिकल इम्पेलर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट पे नंबर ऑफ इम्पेलर और हेड डेवलप्ड बाय ईच इम्पेलर। ठीक है, और एक इम्पेलर द्वारा लगाए गए हेड को एच एम से डिनोट किया है। अब दूसरा टाइप, ठीक है, ये है डायग्राम, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये सेम शाफ्ट है, इसमें पानी क्या हो रहा है, देखिए पाइप कनेक्टेड आउटलेट ऑफ फर्स्ट इम्पेलर, ये फर्स्ट इम्पेलर का आउटलेट है, इसको कनेक्ट किया गया है किससे, सेकेंड इम्पेलर के इनलेट से। ठीक है, अब पानी यहाँ पे ये रोटेट करते हुए इससे होते हुए सेकेंड इम्पेलर के इनलेट पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे रोटेशन होगा, फिर ये डिलीवरी पाइप पे पहुंच जाएगा। ये सेम शाफ्ट पे है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर हाई डिस्चार्ज। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बात की थी हाई हेड की, अगर हम लोग को डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हाई डिस्चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का इम्पेलर होगा उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे इसमें पैरेलल। ठीक है, इसको हम लोग पैरेलल ही कनेक्ट कर देंगे। ईच ऑफ द पंप लिफ्ट्स द वाटर फ्रॉम अ कॉमन पंप। ठीक है, देखिए हर एक पंप अपना पानी निकालेगा और डिस्चार्ज वाटर टू अ कॉमन पाइप, एक पाइप में वो निकाल के पहुंचा देगा। जो हम लोगों ने बात की, ये भी अपना पानी निकालेगा, ये भी पानी निकालेगा कॉमन कॉमन सोर्स से, कॉमन सोर्स से पानी निकालेगा, कॉमन सोर्स से पानी निकालने के बाद वो एक ही डिलीवरी पाइप में पहुंचा देगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ईच ऑफ पंप इज वर्किंग अगेंस्ट द सेम हेड। अब देखिए जो मैंने बात की थी अभी को पहले, कि अगर हम लोग का एक मान लो ये पंप वन है, ठीक है, और ये हम लोग का पंप टू है, दोनों का हेड अगर एक का कम है और एक का ज्यादा है तो क्या होगा, एक पर ज्यादा जोर पड़ेगा और उसकी जरिए वजह से क्या होगा, एक पंप खराब हो जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ईच ऑफ पंप इज वर्किंग अगेंस्ट सेम हेड, सेम हेड का पंप हम लोग यूज करते हैं। अब सोचिए कि अगर एक पंप जो है क्यू क्वांटिटी डिस्चार्ज कर रहा है तो एन पंप कितना क्वांटिटी डिस्चार्ज करेगा, एन टाइम्स क्यू। ठीक है, वेयर एन इज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पंप्स अरेंज इन पैरेलल और क्यू क्या है, डिस्चार्ज ऑफ वन पंप। ठीक है, आज की हम लोग की जो क्लास है, अब देखिए इसमें आज की क्लास है, आगे हम लोग क्या क्या है, यही जो मैंने अभी बात की, पंप वन है, पंप टू है, ये सम्प है जहाँ से हम लोग पानी को ले रहे हैं, यहाँ से हम लोग पानी लेंगे, ये हम लोग का इम्पेलर रोटेट करेगा, क्यू वन पानी यहाँ से लेके आ रहा है, यहाँ से पानी जो रोटेट करते हुए लेके हम लोग इम्पेलर से निकालेंगे वो आउटलेट पे क्यू टू निकाल रहा है, तो दोनों का जो हम लोग का नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये वन है और ये टू है, दोनों का क्वांटिटी क्या होगा, क्यू वन प्लस क्यू टू, पानी एक कॉमन पाइप में निकलेगा। तो आज की क्लास में हम लोग का यही दो टॉपिक था हम लोगों ने, फिर अब हम लोग कल मिलेंगे। तो जाते जाते हमारा आज का ज्ञान, क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियर हैं तो आज हम लोग कुछ सिविल इंजीनियरिंग वाला ही ज्ञान लेके आए हैं। इट इज नॉट द ब्यूटी ऑफ अ बिल्डिंग यू शुड लुक एट, इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशन दैट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। अब देखो हम बताएं कि अगर मान लो आपको एक घर बनाना है, ठीक है, एक घर बनाना है तो आप कितना भी सुंदर घर बना लो, ठीक है, अगर आप कितना भी सुंदर घर बना लो, लेकिन वो घर तभी टिकेगा जब उस घर का फाउंडेशन मजबूत हो। ठीक है, इस घर का फाउंडेशन जब मजबूत होगा तभी हम लोगों का घर टिकेगा। तो ऐसे ही हम लोग की पढ़ाई हो या हम लोगों की लाइफ हो या कुछ भी हो, हम लोग का अगर
नींव मजबूत होगी तभी हम लोग का, यानी कि हम लोग को जो हम लोग का स्ट्रक्चर है वही वो भी हम लोग का स्ट्रांग होगा। देखो या तो लाइफ में अभी आप संघर्ष कर लीजिए या आपको पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ेगा। तो याद रखिए कभी ना कभी करना ही करना है। तो याद रखिएगा अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि अगर हमारे घर का फाउंडेशन मजबूत है तभी हमारे घर का सुपर स्ट्रक्चर भी मजबूत करेगा। अगर आप बाहर से देख रहे हो कि कितना भी वो घर खूबसूरत बना हुआ है पर वो घर खूबसूरत बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो उसका फाउंडेशन का है। तो अपने पहले तो बेसिक स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं अभी तो अपने बेसिक स्ट्रांग कीजिए, बेसिक स्ट्रांग कीजिए, मैथ स्ट्रांग कीजिए और बेसिक साइंस स्ट्रांग कीजिए। जब ये स्ट्रांग हो तभी आपका ये समझ पाओगे कि इंजीनियरिंग में है क्या चीज है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले क्या करना है, अपना एक तरह से मैं पेन बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पहले अपने आपको अपनी लाइफ के जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको खड़ा करना है। तो अपनी पढ़ाई से आपके फाउंडेशन को पहले स्ट्रांग करना पड़ेगा और ये स्ट्रांग तब होगा, यही यही फाउंडेशन आपको लाइफ के हर टाइम पे जब लाइफ आपको टेस्ट करेगी तो आपको ये काम आएगा कि आपका फाउंडेशन कैसा है, उसी हिसाब से कब आपको कैसा ट्रीट करना है, ये सारी चीजें आएंगी। तो आज की क्लास में हमारे इतना ही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद और खुश रहिए सभी लोग।